आईएएस स्टडी माइट में आपका स्वागत है। यह चैनल यूपीएससी पीएससी ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के सफलता के लिए जरूरी चैनल है। यह हमारे चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। आप हमारे वीडियो को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, साथ ही साथ अंत तक हमारे वीडियो को देखें। मैं डॉक्टर वेणुधर रोहतिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ जय। बहुत गरीब एवं बेरोजगार नवयुवक था। माली हालत ठीक न होने के चलते वह एक स्कूल में पढ़ाता और खाली समय में खुद भी पढ़ता था। उसने सोचा कि क्यों न गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए कहीं चला जाए। वह अपनी बुआ के पास चला गया। शाम का समय था जब अपनी बुआ के बेटे विजय के साथ बैठकर बातें कर रहा था। बातों ही बातों में जय ने विजय से पूछा, तुम मुंबई में कौन सी नौकरी करते हो? विजय ने जवाब दिया कि मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूं। जय ने पूछा, महीने में कितनी वेतन मिलती है? विजय ने कहा, तकरीबन 20,000 रुपये। जय ने फिर पूछा, रहना खाना कैसे होता है? विजय ने कहा, आप क्यों उदास हैं? विजय ने उत्तर दिया कि रहने खाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, ये सारी सहूलियतें कंपनी मुहैया कराती है। विजय की बातों ने कुछ समय के लिए जय को तो सारी समस्या जय को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि अगर उसे भी यह नौकरी मिल जाए तो सारी समस्या खत्म हो जाती। जय को चुपचाप देख विजय पूछ बैठा, क्या सोच रहे हो जय? जय ने कहा, बस यूं ही। विजय ने कहा, जो भी बात तुम्हारे दिल में है कहो। जय ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मेरी भी नौकरी तुम्हारी कंपनी में लग जाए तो मेरे घर की सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। जय के मायूस चेहरे ने विजय को हाँ करने पर मजबूर कर दिया। विजय ने जय को भरोसा दिलाया और कहा कि उसे महीने में 10,000 रुपये मिलेंगे, कंपनी के गेस्ट हाउस और खाने के लिए तुम्हें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। जय खुश हो गया, विजय को धन्यवाद दिया। विजय ने कहा कि जय, तुम जल्दी से मुंबई आ जाओ। जय खुशी खुशी घर वापस आ गया। उसने मुंबई जाने के लिए तैयारियां की। दुख की बात तो यह थी कि मुंबई जाने के लिए जय के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
जैसे तैसे रुपये की व्यवस्था करके मुंबई के लिए रवाना हुआ। उधर विजय जय को लाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन में इंतजार कर रहा था। दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों बातचीत करते हुए विजय के घर चल दिए। कंपनी विजय के घर से लगा हुआ था। दोनों एक साथ पैदल ही कंपनी तक गए। जय मैनेजर मैडम से मुलाकात किया, जिससे जय को विजय के कंपनी में ही नौकरी मिल गई। कंपनी की तरफ से रहने के लिए गेस्ट हाउस तथा खाने के लिए रेस्टोरेंट में व्यवस्था कर दिया गया। चार दिन बाद जय को ज्वाइनिंग लेटर मिला। ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ था कि वेतन 10,000 मिलेगा और नौकरी छोड़ने पर उनको 1,00,000 रुपये पेनाल्टी भी देना पड़ेगा। जय ज्वाइनिंग लेटर पाकर बहुत खुश था। रात को विजय के साथ पार्टी में चल दिए। शाम के समय जय अपना गेस्ट हाउस वापस पहुंच रहा था। जैसे ही कंपनी से जय गेस्ट हाउस वापस पहुंचा, तब गेस्ट हाउस के बाहर गेस्ट हाउस के मैनेजर जय का ही इंतज़ार कर रहा था। और गेस्ट हाउस के मैनेजर ने जय से कहा कि जय, तुम्हें गेस्ट हाउस का मंथली किराया देना पड़ेगा। उन्होंने शालीनता से मैनेजर ने कहा जय को, कि जय ने कहा कि कितना रुपया किराया देना पड़ेगा। तब रेस्टोरेंट मैनेजर ने जवाब दिया कि केवल 5,000 रुपया। तब आश्चर्यचकित हो गया जय जो है 5,000 सुनने के बाद, क्योंकि उन्हें केवल 10,000 रुपया कंपनी से वेतन मिलना है। उसके बाद जब खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के पास पहुंचा, रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट चलाने वाली जो महिला थी, ऑनर थी, उन्होंने भी जय से कहा कि जय सर, आपको खाने का भी पैसा चुकाना पड़ेगा। तब जय ने पूछा कितना। तब रेस्टोरेंट मालकिन ने कहा कि 3,000 रुपया पर मंथ देना होगा। तब फिर एक बार जय जो है निराशा हाथ लगी, जय को निराशा हाथ लगी, निराश हो गया। और जय ने सोचा कि यदि 8,000 रुपया चला जाता है, तब केवल 2,000 बचेगा, 2,000 में फिर उनका खुद का पर्सनल खर्च भी है। ऐसे स्थिति में काम कर पाना पॉसिबल नहीं है, सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ये सोचकर जो है उन्होंने सोचा कि अब मुझे काम नहीं करना है, बल्कि मुझे घर वापस पहुंच जाना चाहिए, ये सोचा। जय अगले दिन सीधे जहाँ पर वो काम कर रहे थे कंपनी में, उस कंपनी की ओर निकल पड़ा। और मने मन सोच लिया था कि आज जैसे भी करके उन्हें अपना मार्कशीट ले आना है। तब कंपनी गया जय जो है। जय कंपनी जाने के बाद
कंपनी में जो मैनेजर थी, एक महिला मैनेजर थी, उनके पास में गए और उनसे परमिशन मांगे कि मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मैडम ने कहा कि ठीक है विजय, अंदर आ जाइए। उन्होंने परमिशन दिया और जय ने निवेदन किया कि मैडम मुझे अब काम नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले मैडम ने पूछा कि क्या हुआ जय, क्या हो गया, बहुत निराश दिख रहे हैं, बहुत उदास दिख रहे हैं। तब जय ने उत्तर दिया कि मैडम मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, बहुत ही कम पेमेंट मिलता है, इसलिए मेरे मार्कशीट वापस कर दीजिए। तब मैडम ने कहा कि ये क्या बोल रहे हो जय। तब मैडम ने भी कहा कि आप जो कह रहे हैं वो कंपनी के रूल के विरुद्ध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तब जय ने कहा कि मैडम मैं जानता हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कितने कम पेमेंट में काम किया जा सके। तब बहुत निवेदन करने के बाद मैनेजर मैडम ने उनके मार्कशीट वापस कर दिए और उनसे विदाई ले लिए। जय ने कंपनी से विदाई ले लिया और वहाँ से जय डायरेक्टली विजय के घर पहुँचा, लेकिन विजय के घर ताला लगा हुआ था, वो मुंबई छोड़ चुका था। फिर निराश हाथ लगी और जय सीधे उन्होंने जो है अपने घर गांव वापस आ गया और उन्हें लगा कि यही जॉब है, यही नौकरी है। नौकरी का मतलब होता है कि किस तरह से बड़े शहरों में गांव के लोगों को ठगा जाता है। इस संबंध में जय को अनुभव हुआ और एक बार एक बेरोजगार सीधा साधा नौयुवक को धोखा खाने में बच गया और अपने गांव में ही अपना कोई काम धंधा किया और अपना गुजारा किया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें।